लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आप टीवी पे खबरें क्यों नहीं देख लेते? अरे बाबा तुम्हें क्या पता जानी, बड़े लोग अखबार में पढ़ते हैं खबरें। पढ़ता तो मैं हूँ, सुनते हैं आप तो। अरे बाबा बहस ना कर जानी, चुपचाप खबरें सुना। बच्चू साहब रात को कौन अखबार पढ़ता है? अरे बाबा तुम पढ़ते हो, तुम और मैं सुनता हूँ, खामोशी से खबरें सुना। पुलिस को करोड़ों मालियत की बैग की तलाश, एक बैरूपिया लेके फरार। अरे बाबा ये तुम कैसी खबरें सुना रहे, डरा रहे क्या कर रहा है? अच्छा फिर दूसरी सुने। आजकल शहर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें, चोर घरों में कूद कर लोगों की जमा पूंजी मालो जेवरात लूट कर फरार हो रहे हैं। आप तमाम शहरियों को इस बात की तंबी की जाती है कि मोहतात रहिए। अरे बाबा तुम खबरें सुना रहे या डरा रहे हमको? मैं खुद से थोड़ी खबरें बना रहा हूँ, जो इसमें लिखी होगी वही पढ़ूंगा ना। अरे बाबा चोर का ओलिया कैसा है? ऐसे। अरे बाबा ये तो मेरी पिक्चर है, कैसी बातें करता है, तुम भूल गया है तुम हमारा नौकर है? अच्छा बाबा ये बताओ कि चोर दिखने में कैसा है? मालूम नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। क्या बकवास अखबार है सही, कल दूसरा अखबार लाना, हम जा रहे हैं सोने के लिए। बाबा बार में डराता है हमको यार। जी क्या, अच्छा खैर मैं तो पढ़ूं आराम से। लगता है सब सो रहे हैं, यहीं कहीं छुपा देता हूं, पर कहां छुपाऊं? अरे ये क्या भैंस का मुजस्मा, ये क्या भैंसों की पूजा करते हैं? ऐसा करता हूं इसके पीछे ही छुपा देता हूं। अब नहीं नहीं दूध डबल नहीं करना, बस प्रोडक्शन डबल करनी। हाँ क्या करना? अबे तो भाई एक काम करो, पानी डाल दो उसमें। यार एक काम करना, मिनरल वाटर डाला करो, लास्ट टाइम भी शिकायत आई है कि इतनी इतनी मछलियां निकली उसके अंदर से। ओ खुदा का खौफ करो यार, खालिस दूध है हमारा तो पानी भी खालिस होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है ठीक है, चलो हाँ ओके। यानी मैडम एक बात बताए, आपने क्या सेंसर लगाया हुआ? कैसे सेंसर? जैसी मेरी वीडियो कॉल खत्म होती है आप आ जाती। मैं अक्सर बाहर खड़े होकर ना तुम्हारी बातें छुप छुप के सुनती हूँ। छुप छुप के बातें सुनना ये दीवानगी नहीं तो और क्या है? जानी मेरा मतलब ये अच्छी बात नहीं है किसी की बातें सुनना। तुम मेरे मैनेजर हो और तुम्हारी हर एक्टिविटी पे मैं नजर रख सकती हूँ। मेरी उदास जेब पे भी नजर रख ले, करोड़ों सालों से उदास पड़ी हुई है, कुछ सैलरी बढ़ा दे अब तो माशाल्लाह ऑर्डर भी डबल हो गए। ऑर्डर डबल हुए, प्रॉफिट तो ही डबल हुए, इधर ऑर्डर बढ़े उधर सेल्स टैक्स बढ़ गए, तो कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, फिर घर के खर्चे और मेहमानदारियां सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। तो फिर मैं ना ही समझो ना,
इस महीने तो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी जानी, अगले महीने देखते हैं। काश हमारे हाथ कोई खजाना लग जाए। अबे ओ, इतना कीमती माल तूने किसी के घर में छुपा दिया, अगर बॉस को पता चला ना तुझे गोली से उड़ा देंगे। अरे ऐसे कैसे मार देंगे, चलाकू दिन नाम है मेरा। वो तो रात में पुलिस से बचकर उसी इलाके के एक घर में मैंने छुपा दिया था माल। क्या, इतनी बड़ी रकम तूने किसी के घर में छुपा दी? तो क्या करता, अगर छुपाता नहीं तो माल और मैं दोनों जेल में होते। ये बता माल लेकर कौन आएगा? पूरी प्लानिंग है मेरे पास, बस तुम बॉस को जाकर बोलो आज चलाकू क्या मैं माल लेकर आ रहा है। नहीं नहीं, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, इतना प्यार करती मुझसे। अबे ओ, बॉस ने कहा है तुझ पे कड़ी निगाह रखने के लिए, समझा? अरे भाई तुम्हारे साथ होते हुए ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों, माल छुपा रहा था तो उस वक्त तेरे साथ जलूस था क्या? अरे उस वक्त तो पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी ना, और अब मैं हूँ। ठीक है भाई, इस तरह माल नहीं मिलेगा, जो करना कर लो। अच्छा अच्छा, बिगड़ता क्यों है, जा दिया शाम तक का टाइम। और सुन, अगर तूने कोई होशियारी की ना, अगर होशियारी की तो तुम मुझसे शादी कर लेना। अरे जानी कहाँ मर गया है, अरे बाबा कहाँ मर गए हैं सब, समझ नहीं आता है किधर चले जाते हैं। हाँ बाबा बोलो। बाबा मैं दूध वाला। अरे बाबा दूध वाला, दूध वाला सही। आओ आओ आओ। अरे क्या हाल है बाबा, कैसे आना हुआ? अरे बाबा किधर लिए जा रहे मेरे को? हाँ बाबा बड़े अरसे बाद अपने बंदे से मुलाकात हुई। बाबा आओ बाबा। हाँ बाबा। अरे बाबा इधर उधर क्या देख रहा है? अच्छा खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? बाबा मैंने सोचा आपसे पूछ लूं अगर दूध लगवाना है तो। अरे बाबा कैसी बातें करता है, हमारे तो अपने बाड़े हैं बाबा, हमारा दूध डब्बों में मार्केट में सप्लाई भी होता है बाबा, अगर हम दूध लगवा लेंगे तो फिर हमारा कारोबार कैसे चलेगा? अच्छा ये गाय का मुजस्मा इसलिए रखा है, क्या मैं इसको देख सकता हूँ बाबा? हाँ बाबा देखो देखो, किसने मना किया है, यहीं से बैठे बैठे देखो। बाबा क्या मैं इसको पीछे से देख सकता हूँ? अरे बाबा केटू पहाड़ थोड़ी है जो ऊपर चढ़ के पीछे देखना है। नहीं बाबा इतनी जबरदस्त चीज बनाई है, इसको हर तरफ से देखना चाहिए ना। अरे बाबा चुप करो, बेकार बातें नहीं करो, ये बताओ कि हमारे लिए काम करोगे? बाबा दूध भैंस देती है, डब्बे में मशीन डालती है, मेरा इधर क्या काम है? अरे बाबा जो डब्बे का दूध नहीं पीते उनको तुम हमारा खुला दूध बेचोगे। वाह 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 वाह, बाबा क्या दिमाग पाया है, एक गिलास पानी मिलेगा मेरे? हाँ बाबा क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा जानी। अरे बाबा मेहमान के लिए पानी लाओ। बाबा ये कैसी मेहमान नवाजी है, आपको खुद जाके पानी लाना चाहिए ना। सही ना, हम मेहमान को एक सेकंड के लिए भी अकेला और खुला नहीं छोड़ते बाबा। अच्छा बाबा इसका मतलब यहाँ पर डालने के लिए? हाँ बाबा, फिर क्या सोचा तुमने हमारे मंसूबे के बारे में? बाबा बस एक गिलास पानी ले आए फिर मैं फैसला करता हूँ। हाँ बाबा अभी मंगवाते हैं अभी। बाबा जानी पानी लाओ मेहमान के लिए, किधर मर गया है? खैर बाबा आता होगा पानी। बाबा साईं आपका जानी आएगा तभी पानी आएगा क्या? खैर बाबा तुम अपना दिमाग बना लो, इस खुले दूध के कारोबार में आधा आधा मुनाफा। जी जी बाबा आप देख लें, अब तक आपका जानी नहीं आया, पानी तो बहुत दूर की बात है, एक गिलास बड़ी मेहरबानी होगी, पानी पिला दें फिर मैं फैसला करता हूँ ना। अरे बाबा क्या रेगिस्तान में दूध बेच कर आ रहा है क्या, जन्मों का प्यासा है क्या? अरे वो देखो आपका जानी चाय लेके आ गया बाबा। अरे जानी क्या करता है? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। लो मैं बाहर पानी लेके आ रहा हूँ, आप अंदर आ गए। अरे बाबा मौत नहीं तो शर्म तो आनी चाहिए, वो बेचारा मेहमान प्यास से मर जा रहा था, भाग गया बाबा तुम्हारी वजह से, तुम पानी नहीं लाया है। मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? अच्छा गुस्सा ठंडा करे, ये ले पानी पीजिए। अरे चलो यार तुमसे जानी एक काम नहीं होता है। यार बात तो सुने। अरे बा मेरे जानी मेरे लिए पानी लेके खड़ा हुआ है, वाह भाई वाह क्या बात है। इससे क्या देख रहे हो? असल में आपको पानी पीता देख के ना मुझे एक अंग्रेजी फिल्म याद आ गई। अब पानी पीते हुए देखते हुए तुम्हें भला फिल्म कौन सी याद आ गई? छोड़ छोड़ मिट्टी डाले उसके ऊपर। अरे बाबा बताओ ना उस फिल्म का नाम और उसमें हीरोइन कौन सी थी? हीरोइन का तो पता नहीं लेकिन फिल्म जो थी वो ड्रैकुला थी। क्या बताती हूँ जानी तुझे, हमेशा मेरी बेस्ती करता है तू। जी फरमाइए। भाई मैं नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अबे यहाँ हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, तुझे नौकरी की पड़ी हुई है? भाई मैं मुफ्त में काम कर लूंगा ना। मुफ्त में?
आओ आओ अंदर। अरे अरे अरे, अरे यहाँ बैठ के बात करते ना। अरे तुम इतने खास आदमी हो, अंदर बैठ के बात करते। इसलिए तो कह रहे हैं बाहर बैठ के बात करते। अच्छा इतना शेयर कर रहा हूँ, इधर बैठो इधर बैठो। आइए आइए यहाँ बैठिए, यहाँ तशरीफ रखिए। अच्छा जी सब बातें छोड़ो, ये बताओ क्या क्या काम कर लेते हो? मुकम्मल सफाई करने में महारत रखता हूँ। मुकम्मल सफाई करने में महारत, क्या मतलब? मेरा मतलब है घर की अच्छी सफाई कर लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा फिर एक काम करो, कल से काम पे आ जाओ। कल से क्यों? आज से, मैं तो कहता हूँ अभी, अबे बल्कि अभी गाय के पीछे से मैं सफाई कर। वाले मगर क्यों? असल में वो हमारे बच्चों साहब है ना, उनकी खास जगह है, किसी को जाने की इजाजत नहीं। क्या क्या तुम साहब नहीं हो? मैं कहाँ साहब, मैं तो नौकर हूँ, जानी। अच्छा तुम जानी हो? आप मुझे जानते? नहीं नहीं, बस ये कहूंगा कि तुम बहुत हडराम हो, पानी मंगाओ तो साले लगा देते हो। बस भाई तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों भाई? बस कह दिया ना, नहीं मिल सकती, जा निकलो यहाँ से। अरे बस एक बार इस गाय के पीछे से सफाई करने दो मुझे। अब तुझे पीछे सफाई करने का इतना ही शौक है ना, दो गलियां छोड़ के पीछे गली में चला जा, गंदी नदी है वो, उसको साफ कर ले। लगता है यहाँ भी दानी गलने वाली, कुछ और करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मैं एक बात बताऊँ, तू बातों से ही बहुत तेज लग रहा। उठ उठ यहाँ से, उठ। एक बार इस गाय के पीछे से, एक भाई भाई प्लीज प्लीज एक बार। शाम होने वाली है और तुम अभी तक माल नहीं लेकर आए। क्या करूं, दुनिया भर के पेशेवर लोग रहते हैं उस घर में, दूध वाला भी है नौकर भी है, मैं तो तंग आ गया यार। वो तो अच्छा हुआ दोनों दफा भाग कर आ गया, वरना दिमागी पोलियो कर देते वो लोग मुझे। अबे हंस क्यों रहा है? अरे समझो काम हो गया, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अरे वाह, कभी कभी दरवाजा खोलने का फायदा हो जाता है, लॉटरी कभी भी निकल सकती है। मैं कुछ समझी नहीं। खैर छोड़िए, ये बताइए कैसे आना हुआ? मैं खतरनाक बीमारी से बचाव के कतरे पिलाने आई हूँ। हमारे यहाँ कोई बच्चा थोड़ी है, जैसी होगा बुला लेंगे आपको। ये वबा बड़ों में फैली हुई है, मैं तो यहाँ बड़ों को कतरे पिलाने आई हूँ। ये लोग खुद किसी जानलेवा बीमारी से कम है, इनको कुछ नहीं होने वाला। अरे क्या मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे? मेरा तो दिल चाह रहा है आपको बारो बार ही लेके निकल जाऊं, लेकिन खैर आप नेक काम के लिए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। देखिए बीबी आप समझ नहीं रही, हम लोग साल के शुरू में ही सारी वैक्सीन लगवा लेते हैं और ये कतरे छोटे बच्चों को पिलाने वाले कतरे हैं। अरे नहीं नहीं, आपको पता है ये कतरे सब के लिए होते हैं, पता है कितनी जानलेवा बीमारी है? आज ही 100 लोग मर गए। 101 भाई, आपको देखने के बाद आज ही एक कत्ल हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। खैर छोड़ें, आए हम सब मिलके कतरे पीते हैं। दवाई है या तबर्रुक? एक काम करें, सबसे पहले आप। मैं ये कैसे पी सकती हूँ, मैंने तो ये वैक्सीन पी ली है। हाँ ठीक कह रहे जानी, पहले आप पिए उसके बाद हम सोचेंगे। अरे नहीं बाबा, ये कतरे मैं पीऊंगी। जरीना तुम पागल हो गई हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता नहीं कौन से अजीबोगरीब बाबा के कौन से अजीबोगरीब कतरे क्यों पियोगी तुम? देखो जो तुम करोगी वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, और जो तुम नहीं करोगी वो मैं लाजमी करूंगी। अच्छा, मैं खुदकुशी और गिल नहीं करूंगी? वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? पियो ये कतरे और मर जाओ। मेरे पास भी कोई इतना टाइम नहीं है फजूल। ऐसा करो ये कतरे इसको पिला दो, मैं आ रही हूँ। अच्छा तो फिर क्या फैसला किया आपने? किस चीज का फैसला? मेरी मम्मी की बहू बनने का। क्या होश में तो हैं आप? आपसे मिलने से पहले तक तो था। खैर आप मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि आपके घर में कोई गाय का मुजस्मा है। हाँ हाँ, बाहर गार्डन में है ना। तो फिर एक काम करें, मुझे वहाँ छोड़ दें, मैं वहाँ बैठ के सुकून से सोचूंगी और फिर आपको बताऊंगी। अगर आपने भी बच्चों साहब और उनकी बहन की तरह गाय के पास बैठ के सोचना है ना, तो मेरी तरफ से इनकार समझे। सुनिए तो। बस मैं समझ गया, आप भी उसी बैकग्राउंड की फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। अरे मैं तो बस यूं ही। बस निकले, बस कुछ नहीं, जाए जाए, उठे शाबाश, उठे 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 जाए। खाम खा कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं यार लोग। अब क्या करें? मैंने कहा था ना, ये लोग वाकई बहुत मुश्किल किस्म के लोग हैं। अबे वो तो मुझ पे ही शादी के डोरे डालने लगा है। अब क्या करोगी? कुछ भी करो, मैं नहीं जानती, वरना बॉस को कॉल कर दूंगी।
और वैसे भी ना शाम होने वाली है, बॉस की कॉल किसी भी वक्त आएगी और बॉस के आदमी तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। अरे तुम इतनी जल्दी में क्यों रहती हो, क्या W11 में पैदा हुई थी? यार थोड़ा सबर करो, इसका आखिरी हल भी है मेरे पास। लो थोड़ा, कभी हंस भी लिया करो। आए खट्टा मीठा। मुझे गाँव की बहुत याद आती है, तू मेरी वाहिद साथी है। चाचा जी जरा साइड पे हो ना। अरे बाबा तुम क्या कर रहे हैं जानी यहाँ पे? कर नहीं रहा, करने वाला हूँ। अरे बाबा क्या? सफाई। आज एक शख्स ने मुझे एहसास दिलाया कि आपकी प्यारी गाय के इर्द गिर्द सफाई की अशद जरूरत है। अरे बाबा शुक्र है तुम्हें इस बहाने ख्याल तो आया, किसी ने तुम्हें याद तो कराया, वरना तुम्हारे तो दिमाग में कुछ नहीं आता ऐसा। नहीं नहीं अब्बा, ऐसी भी कोई बच्चू साहब। अरे बाबा क्या हुआ, करंट लग गया है क्या? क्या हो गया बाबा, क्या हो गया है? इतना पैसा? अरे बाबा ये तो इतना पैसा है, मैं इससे पूरी दुनिया के बड़े खरीद सकता हूँ। ओ बच्चों, ये हर वक्त तुम्हारे दिमाग में बड़े क्यों घुसे रहते हैं? अरे बाबा मेरा इतना छोटा सा दिमाग है, उसमें बड़े कहाँ से घुसेंगे, कैसी बात करती है। जाहिर है, छोटे से दिमाग से तुम्हारे तो सब कुछ ही बड़ा, बड़ा तो बहुत ही बड़ा है ना। हाँ बाबा वो तो है, वो तो है। देखो बाबा मेरा आधा कितना समझदार है, मां सद को मना। ओहो बाणों की पड़ी हुई है, नोट पड़े हुए, ये इसकी फिक्र नहीं है। अरे बाबा बताओ क्या करना है इसका? क्या करना है, बांट लेंगे। ना बाबा ना, इसमें जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है। तुम्हारा हक कैसे भाई? क्यों बला, ये तू अपने बाबा साईं के घर से लेकर आई है। बाबा ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, क्योंकि ये मेरे जानी को मिला है। क्या तुम्हारा जानी? जी नहीं, ये मेरा जानी है। अरे सीमा, अब मेरा मतलब ये मेरा मैनेजर है। ओ ये मेरी भी कोई सुन ले, इसे मैंने ढूंढा, इसमें मेरा हक है। अरे चुप कर नौकर कहीं का, ये मेरे घर से निकला है, मेरी गौ के पास से, उसी ने दिया है। वाह, पहले गाय दूध देती थी, अब नोट देने लग गई। दानी तमीज से बात करो बाबा, पैसा मिलते ही तुमने तो आके सर पे रख लिए। शुक्र है आपने माना कि पैसे मुझे मिले। ना बाबा ये मेरा है। जी नहीं, ये घर मेरा, ये कारोबार मेरा, ये मैनेजर भी मेरा, तो ये पैसा सबका सब मेरा। अरे दाई तो फिर आधा आधा तो हमारा भी हुआ ना, बराबर के हिस्सेदार है हम। छोड़ दो ना बच्चू, प्लीज माय गॉड बॉय। बाबा ठीक है, तुम कहती है तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन एक गड्डी दे देना इसमें से, हमने अपनी गांव का ना सर्विस कराना। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ, सोचते हैं क्या करना है, बैठ जाओ। अरे अब एक ही हल है, पुलिस वाला बनकर इस घर की तलाशी लेता हूँ, फिर अपना माल अपने पास। अरे ओ चलाकू, इधर इधर, यहाँ। चालाकुद्दीन उर्फ चालाकू बहरूपी है, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए मुझे। ओ चली मियाँ, आपको तो पता है मेरे हालात कितने खराब थे, मेरे पैदा होने से पहले मेरी अम्मी जान गुजर गई, तो उसके बाद मेरे अबू जान भी गुजर गए, अब सोचो जब मैं पैदा हुआ तो कितना अकेला था। ओ भाई बस बस, बहुत हो गए तुम्हारे बहाने, ये बहरूपिया बन के किसी और को बनाना, मेरे निकालो 2 लाख रुपए जो तुमने पिछले साल लिए थे, चलो निकालो। वो 2 लाख? अरे कोई बर्तन लाए हो अपने साथ? अरे बर्तन किस लिए लेके आऊँ, कि मैं निहारू लेने आया हूँ या दूध लेने आया हूँ? मैं 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ भाई, दिखा लो। अरे वही तो, असल में मेरे पास बहुत सारे चिल्लर हैं सिक्कों में, अब 2 लाख आप सोचो कितने होंगे, इसलिए तो बर्तन या थैली लेके आये हो अपने साथ। हाँ तो ऐसे कहो ना, अभी लेके आता हूँ मैं बर्तन, और खबरदार जो यहाँ से हिले 1 इंच भी। मैं गया और ऐसे आया। अरे ये मुसीबत कहाँ से आ गई, ऐसा करता हूँ यहाँ से भाग जाता हूँ, बल्कि यहाँ से क्या शहर ही छोड़ के भाग जाता हूँ। अरे बाबा मत खेचो, बैग को बाबा क्या करता है? अरे बाबा क्या कहा है, कौन कहा है? बच्चों ये जमान का इनका तो नहीं है? अरे नहीं बाबा, इसका शक्ल देखो, लिया देखो, इसका नहीं हो सकता है, एक फरारी नहीं आ रहा था, कहा है वो? ओ अपने गंजे भाई रंगीले की तरह लट्टू बन के घूमे चले जा रहा है,
और ये कहाँ कहाँ क्या होता, कब आया क्या, कोई नहीं यहाँ पे। अरे भाई एक फराड़िया मेरे 2 लाख लेके भाग गया और रूप बदल बदल के इधर उधर फिर रहा है। अभी मैंने देखा पुलिस का गेटअप करके आपके घर के बाहर फिर रहा था, इधर ही आया होगा, कहाँ है वो दिखालो। तुम लोगों का जो कुछ भी गुम होता है तुम लोगों को ये क्यों लगता है कि वो यहाँ से मिलेगा? कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, आपके पास मेरा नंबर तो है ना, जैसे ही वो फराड़िया आपको मिले मुझे फोन कर देना, मैं पटनी से वापस आ जाऊंगा। अरे हाँ बाबा हाँ कर देंगे, जाओगे तो आओगे ना बाबा। हाँ सही कह रहा है, जाएंगे तो आएंगे ना, कितना बदकल आदमी, इतनी अच्छी बात कर गया, वाह 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 क्या बात है, जाएंगे तो आएंगे ना। हाँ बाबा किधर थे पैसे निकालो, आधी ना रहो, मैं अपने हिस्से में से दूंगा, हमें एक गड्डी मिलेगा ना, आधी गांव दुलवाएगा आधी तुम्हें दे देगा। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। अरे बाबा ये क्या ड्रामा है, ये पैसे से भरा हुआ बैग तुम लोगों ने चोरी किया है? मुझे लगता है ये वही भाई रुपया है। अरे बाबा एक मिनट हम तुमको बताते हैं किसने चोरी किया है। जानी जानी अभी एक बंदा आ रहा है, वो तुमको बताएगा कि ये किसने चोरी किया, जरा सब्र करो। हेलो हाँ रंगीले के भाई चिल्ली, हाँ 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 बाबा आ रहे हैं सब्र करो। ए बकवास बंद करो। अरे बाबा पकड़ लिए किधर है चिल्ली, चिल्ली आ जाओ। क्यों बुला रहा है, बुला लिया है, ये ये ये। क्या हो रहा है ये, कौन है ये? अरे बाबा ये वही बेरुपिया है ना जिसे तुम ढूंढ रहे थे, भूल गए क्या? अरे ये वो नहीं है, ये तो मुझे असली है। असली पुलिस इंस्पेक्टर बैग में ही हूँ। ये बैग और पुलिस से हाथापाई करने के जुर्म में मैं तुम सबको गिरफ्तार करता हूँ। अरे ये बताओ ये आखिर में डंडे से किसने मेरी दुराई की? बाहर भी नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।